Hello everyone and welcome to another edition of Let's Football Live. My guest today is Pritham Kotak. I thought I should just let you guys know nice and early so that you're ready with your questions if you have any in the course of the session. Hello, the Veds. I see you every time, man. Good to see you. Johan, hello. Hello, Adhina Prakash. How are you guys doing? Hope you're well. Staying at home and staying safe, guys. This has been a great series, Let's Football Live, and trying to get to know players, coaches. In the last couple of editions, we've had owners and directors of football clubs as well, in Rohan Sharma and Par Jindal. We're getting back to players today, in somebody who's won the ISL twice with ATK, and of course is a national team regular with 36 appearances for the Indian national team, the senior men's team, that is. So I'm not going to waste any more time. As I say hello to everybody, I am going to get Pritham Kotak onto this straight away. Just bear with me one sec. Pritham's on. Always on time. Just waiting for Pritham. So all you ATK fans, if you have any questions, fire away. Dada! How are you? I'm good. How are you, Dada? Very good. Yaar, maine aapka pura interview All India Football Federation ke handle pe dekha. And I realized that aapse... निलांजन दा बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं वहां पे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ फैंस के सवाल आपसे पूछूं यहां पे, क्योंकि आईएसएल में आप इतने सारे फैंस हैं. आप एफसी पुणे सिटी के लिए खेले, आप दिल्ली डायनेमोस के लिए खेले, और एटीके के साथ आप दो बार आईएसएल जीते हो, तो जाहिर है कि देयर आर फैंस फ्रॉम ऑल ओवर हु आर गोइंग टू बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. बट माय फर्स्ट क्वेश्चन प्रीतम टू यू इज अबाउट द स्टोरी दैट आई रेड अबाउट योर एकेडमी. ये सब कैसे शुरू हुआ प्रीतम, और इसके पीछे मतलब क्या राज है कि प्रीतम डिड नॉट वांट एनीबॉडी एल्स टू नो टिल दैट इंटरव्यू विद द आईएफएफ रिवील्ड इट ऑल. एक्चुअली क्या है कि ये एकेडमी मेरा मन में था बहुत दिन से, लेकिन एकेडमी करने में बहुत कुछ चीज जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मेरा जो चार पांच लड़का है जो हम लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जैसा मुंबई सिटी एफसी का सौरभ दास है, राणा घरामी है, मैं हूँ, फिर नारायण भी है, सामाद अली मल्लिक है जो ईस्ट बंगाल में है, तो ये चार पांच प्लेयर मिलके हम लोग कोशिश किया था कि एक एकेडमी करने के लिए, क्योंकि हम लोग जिधर से प्रैक्टिस कर रहा था मत करके आया इतना दूर, उधर बहुत ऐसा लड़का है कि जो लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं मिलता है, फिर भी खाना ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट स्टार्ट मतलब वो लोग के साथ बात करके फिर स्टार्ट करने का यही तरीका था. फिर उसके बाद हम लोग का इधर ये ग्राउंड है, 11th साइड ग्राउंड है, वो खाली था, मैं वो लोग का मैनेजमेंट को जाके बोला था, फिर वो लोग एकदम में एग्री हो गया, तो फिर ये स्टार्ट हुआ था. लेकिन ये मैं बात बाहर नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि एक्चुअली ये मतलब मैंने मतलब किसी को भी पता नहीं था इसके पहले कि ये एक साल हो गया. उसका पहले एक हम लोग फ्रेंडली खेला था जिधर बहुत कोई बलवन भाई खेला था, फिर उसके बाद सोनी खेला था, हम लोग का मेहताब दास सब आके खेला था इधर, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था. लेकिन अभी चल रहा है, अभी उधर 12-13 प्लेयर भी रहता है जो लोग बहुत ही मतलब प्रैक्टिस के बाद खाना नहीं मिलता है, वो लोग को प्रैक्टिस का किट नहीं मिलता है ठीक से, तो वो लोग उधर रह के प्रैक्टिस करता है. अभी देखता हूँ फिर आगे जाके क्या होता है, लेकिन अभी तक किसी का हेल्प कोई नहीं मिला, लेकिन हम लोग जितना हम लोग का खेल के जो सैलरी जो मिलता है उसमें से हम लोग उधर ये एकेडमी अभी चल रहा है. बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रीतम, और सभी को बहुत मुबारकबाद. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द करंट प्लेयर्स हु आर इन्वॉल्व विद यू इन दिस, बिकॉज इट्स सच अ नोबल जेस्चर ऑन योर पार्ट टू स्टार्ट गिविंग बैक ऑलरेडी. एंड मतलब आप सिर्फ 26 साल के हो अभी, आपका करियर जो है वो मिडवे स्टेज भी नहीं कहूंगा, अभी तो काफी तरीके से शुरू ही हुआ है. यू ऑलरेडी गिविंग बैक प्रीतम, बट सो नाइस टू सी यू. एंड आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस शुरू में ही, ताकि सबको पता हो कि आप लोग लॉकडाउन में भी कितना कुछ कर रहे हैं कोलकाता में, और आपके एरिया में कितने फेमस हो ये कहानी तो हम सबको पता चल गई. लेकिन इस सब ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई प्रीतम? देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम आकाश सिंह हु सेड व्हाट एज डिड यू स्टार्ट प्लेइंग. मैंने पढ़ा था कि आपके अंकल थे जिन्होंने आपको एनकरेज किया था शायद 4 साल की उम्र में कि आप फुटबॉल शुरू करें. मेरा एक्चुअली मेरा अंकल भी फुटबॉल खेलता था, और मेरा पापा इधर कलकत्ता में बहुत अंडर राइट टूर्नामेंट होता है वो, उसमें मेरा पापा भी प्लेयर लेके जाता था खेलने के लिए, तो मेरा बैकग्राउंड ही फुटबॉल फैमिली में ही बड़ा हुआ था मैं, तो इसलिए उस टाइम मेरा अंकल ने बहुत बोला था कि मतलब वो चाहता था, मेरा पापा भी चाहता था कि मैं फुटबॉल में जाऊं और दूसरा किसी स्पोर्ट्स में ना जाऊं, तो इसलिए जब मैं अंकल का गेम देखने जाता था
मेरा अंकिल भी फर्स्ट डिवीजन खेला है कैलकाटा में। फिर उसके बाद से मेरा जब 5 साल ऐसा था कुछ, उस टाइम से मैं स्टार्ट किया, मेरा घर का बगल में ये ग्राउंड था उधर ही स्टार्ट किया था खेलना। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली मैं मतलब जब मेरा 10th एग्जाम दिया, फिर उसके बाद मेरा पापा ने बोला अभी थोड़ा फुटबॉल लेके सीरियस हो जाओ, अभी बोला था, अभी वो उसका भी ड्रीम बोला था क्या क्या है, तो मेरा भी तो उस टाइम से मैं 10th एग्जाम देने के बाद से मैं सीरियसली स्टार्ट किया। और उसके बाद उत्तरपाड़ा में जो मैं जिधर मेरा लोकेलिटी में जिधर रहता हूँ उस उधर नेताजी ब्रिगेड बोल के एक कैंप है, उधर से मैं प्रैक्टिस करके इतना दूर आया हूँ। और सामने और भी जर्नी है अभी तक बाकी। अभी बहुत आगे जाना है प्रीतम, एंड यू नो ऑल द बेस्ट विशेस विद यू। लेकिन मैंने देखा था हीरो आईएसएल चिल्ड्रंस लीग जो जो शुरू हुई थी, उसमें आपने बच्चों के साथ फोटोग्राफ वगैरह भी खिंचवाई थी। अब आपका घर ऐसा है जिसमें एक ऑलरेडी एक जिम है जिसमें बच्चे आते रहते हैं, आप तो ट्रैवल करते हो पूरे साल नेशनल टीम के साथ या आईएसएल की वजह से, लेकिन आपके घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, ये आपने कहा था, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये जो जिम किया है मैं इधर जो हम लोग का मैं जो एकेडमी किया है उधर भी एक जिम का सेटअप है, लेकिन इधर मेरा घर का पास में मेरा इधर एरिया में बहुत कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है ऐसा लड़का है जो लोग जिम में पैसा देके नहीं जा पाता है, तो इसलिए ये मेरा राज है कि मैं एक जिम करूँ इधर। बहुत बड़ा जिम नहीं है लेकिन जो जो स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरत है सब कुछ है उधर, तो वो लोग आता है आके मेरा मम्मी से की लेके वो लोग ओपन करके फिर करके फिर चला जाता है। तो अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो इसलिए ज्यादा कोई नहीं आता है, लेकिन अभी शायद थोड़ा थोड़ा फिर स्टार्ट हुआ है, 2-3 लड़का करके, एक एक आदमी मॉर्निंग में करता है, फिर 2 आदमी शाम को करता है, ऐसे ही चेंज करके वीक में 3-4 दिन ऐसे ही करता है। तो यही मेरा प्लानिंग है कि मतलब अभी मेरा मैं आया इस जगह में और मेरा मैं कुछ ना करूँ, वो हम लोग का जो छोटा भाई है वो लोग के लिए ये मेरा थोड़ा तकलीफ लगता है, क्योंकि मैं भी जब मेरा स्टार्ट किया था किसी ना किसी का हेल्प लेके बड़ा हुआ था, तो अभी थोड़ा मैं भी हेल्प करूँ तो अच्छा लगता है ये। मतलब पैसा देके तो हेल्प नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा जो होता है मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए ऐसा जिम वगैरह जो सब अभी आया है नया नया चीज ये सब करके थोड़ा हेल्प करता हूँ, बस यही अच्छा लगता है। और मेरा घर में भी मम्मी पापा इसमें बहुत सपोर्ट करता है, और कोई भी आता है तो मेरा घर में ऑल टाइम कोई ये नहीं है कि कोई मतलब 10 साल का बच्चा लेके 20-30 साल का और बड़ा भी हो तो आके मैं बोलता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई ये इसमें कोई ये नहीं है, सब मुझे सपोर्ट करता है और मेरा एरिया में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऐसा करने के लिए, तो अच्छा लगता है ये करके बस। इट्स एक्सेलेंट प्रीतम, एंड जस्ट वेरी हम्बल, वेरी जेनरस, वेरी गिविंग ऑफ यू। और यू नो आई नो यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ लो प्रोफाइल, लेकिन जो आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी चीज है, और शायद आपको अभी रियलाइज नहीं होगी, लेकिन कुछ सालों बाद जब ये हीरो आईएसएल चिल्ड्रंस लीग से निकल के बच्चे आपका एग्जाम्पल देंगे और यू नो लोगों को बताएंगे कि कैसे हम उनके घर चले जाते थे बिना इनविटेशन के और वहां पे इक्विपमेंट यूज करते थे या खाना खा के आ जाते थे विद द राइट डाइट एंड न्यूट्रिशन, दे विल बी सो ग्रेटफुल। सो दिस इज फिनोमिनल, वेरी वेल डन टू यू एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स। देयर वाज अनदर एक्चुअली क्वेश्चन, सॉरी, हाँ बोलो बोलो बोलिए ना। नहीं बोलो आप बोलो। एक्चुअली मेरा ख्याल से अभी जो जो मतलब ये पोजीशन में है हम लोग का पोजीशन में, तो सबका एरिया में भी कोई नीडी फैमिली रहता है, कोई कोई प्लेयर रहता है मतलब प्लेयर ऐसा कोई रहता है कि खाना नहीं मिलता है वो लोग को, ये खाना नहीं मिलता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग का जैसा आदमी है 2-3 आदमी को जैसा हेल्प करेगा तो एक यूनिटी होके हेल्प करेगा तो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही मैं सबको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी है हम लोग का पोजीशन में तो वो लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा तो अच्छा होगा ये सब आदमी के लिए। There are a lot of people in the comments who are asking, are you coming to KBFC? You want to answer that before I move on to the next question? अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है एटीके के साथ, फिर इन फ्यूचर ऐसा कोई मौका आएगा तो ऑब्वियसली जाऊंगा, क्योंकि उधर जो माहौल रहता है खेलने का जो स्टेडियम में इतना सपोर्टर रहता है, तो ये केबीएससी सपोर्टर का बारे में बोलना तो मतलब क्या बोलूं, खेलने का बहुत मजा आता है उधर, तो इसलिए कोई मौका आएगा तो फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा जाने के लिए। कल किसने देखा, नेवर से नेवर अरे प्रीतम। एकदम नो सही बात है। बट आई एम श्योर देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर फेवरेट ओपोनेंट्स आल्सो जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगला सवाल था रमन, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, रमन डॉट अंडरस्कोर डॉट व्हाटएवर दैट मींस, बट रमन थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, एंड ही वांटेड टू नो हु इज योर
हु इज योर फेवरेट प्लेयर एंड इनफैक्ट आई वांट टू ऐड टू दैट, मैं पूछना चाह रहा था कि आपके आइडल्स, आपके हीरोज कौन थे व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, यू स्पोक अबाउट योर जर्नी, लेकिन कौन थे ऐसे लोग थे जिनको आप आइडलाइज करते थे, टू आंसर रमन स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं छोटा था, एकदम से छोटा था, तब से मेरा पापा को ही मैं मेरा आइडल मानता था, बिकॉज मेरा पापा इतना मतलब इतना हार्डवर्क किया मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम में एक बूट खरीदने का भी मुझे पैसा नहीं था, और मैं पापा को भी मतलब मेरा पापा बहुत हार्डवर्क करके मुझे देता था फिर भी। और उसके बाद जब मैं स्टार्टिंग किया फुटबॉल देखने शुरू किया, फिर मैं दीपक मंडल का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज दीपक मंडल का जो गेम मैं बहुत फॉलो करता था जब नेशनल टीम में वो खेला एशियन गेम्स, फिर उसके बाद एशियन कप में खेला था वो मिष्टुदा सुब्रत उदागलो के साथ, फिर उसके बाद मोहनबागान में भी खेला, यूनाइटेड स्पोर्ट्स में भी खेला, तो उस टाइम से मैं दीपक दा का साथ में दीपक दा को देखता था। लेकिन मेरा सबसे बड़ा आइडल है मेरा पापा, क्योंकि मेरा पापा जैसा मुझे इतना दूर लेके आया, जितना भी हेल्प किया था, तो मेरा पापा को देख, मेरा पापा ही मेरा मोटिवेशन है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ नहीं होता था, जब मैं सोचता हूँ कि मैं पापा के बारे में, तो मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है कि वो मेरे लिए इतना हार्डवर्क किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 3-4 घंटा ग्राउंड पे थोड़ा हार्डवर्क करना है, फिर उसके बाद शायद 2-3 घंटा जिम में, बस उसके बाद तो और कुछ नहीं है मेरा, तो ये 4 घंटा 2 घंटा ऐसा थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करूँ, तो ये मेरे लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा पापा ही मेरा छोटा से मेरा आइडल है, क्योंकि पापा का हार्डवर्क में देखा है, मेरा सामने से देखा, तो वही मुझे अच्छा मतलब मेरा आइडल है वही। स्पीकिंग ऑफ आइडल्स, ये फोटोग्राफ जो आपके पीछे, ये आपकी खुद की फोटोग्राफ है मुझे दिख रही है, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने आपसे पूछा था, ये कब की फोटोग्राफ है? ये लास्ट ईयर का है शायद, हम लोग जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जब खेलने गया था अहमदाबाद में, उस टाइम का है, राइट, 2018, या आई रिमेम्बर, आई थिंक इनफैक्ट एग्जैक्टली 1 साल हो गया आज नरेंद्र गहलोत ने वो गोल मारा था, गोल किया था। Exactly today, I think it was a year ago. I might be wrong. Good memories of that. Aaj hi tha na? Yeah, exactly. Wow, what a coincidence. Okay, so Pritam. Sunil bhai ka bhi goal tha. The ISL journey, Pritam. आप अभी ATK के साथ हो और आप ATK के साथ एक टाइटल पहले भी जीत चुके हो 2016 में, लेकिन सब कुछ शुरू हुआ पुणे के साथ, FC पुणे सिटी में थे आप पहले 2 साल, फ्रैंको कोलंबा कोच थे फर्स्ट ईयर में आपके, और आई रिमेम्बर आई वाज गोइंग थ्रू द लाइनअप ऑफ द फर्स्ट गेम दिल्ली वर्सेस पुणे एंड यू वर ऑन द बेंच फॉर द फर्स्ट गेम दैट पुणे वर प्लेइंग, आई थिंक वडू भाई बेंच पे थे, अरिंदम भट्टाचार्य वॉज ऑल्सो ऑन द बेंच फॉर पुणे, एंड देन आई थिंक यू गॉट योर अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट होम गेम जो पुणे ने खेला, yeah, in the game against Mumbai, I think it was your Mumbai. Yeah, how? What was the feeling like? जब आपने ISL में switch किया, तो सबसे बड़ा change आपको क्या देखने को मिला? सबसे बड़ा change तो जो atmosphere था dressing room का, because David Tejeguet था, Bruno Cirillo था, तो ये सब player को देख के मतलब David Tejeguet के मैं TV में देखा उसको, फिर उसके बाद उसके साथ dressing room share कर रहा हूँ, ये एक मेरे लिए dream था, मतलब जब मैं सुना था कि डेविड तेजेगुवेट पुणे में है, और जब ISL ऑक्शन भी हुआ था उस टाइम मैं थोड़ा नर्वस था कि मतलब क्योंकि हम लोग मैं कौन सा टीम में जाऊंगा ये लेके थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर उसके बाद पुणे ने जब उठाया फिर देखा डेविड तेजेगुवेट, ब्रूनो सिरिलो, कोस्टास कास्टोरानेस ग्रीस का कैप्टन, तो ये सब प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम में रह के हम लोग मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं ये मानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जैसा बहुत प्लेयर है सबको भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये लोग का साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का फीलिंग बहुत अलग है, वो लोग का बिफोर मैच कैसे वो लोग तैयार होता है, फिर आफ्टर मैच क्या लेना है, और जो खाना प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ डिफरेंट लगा मुझे, और फर्स्ट टाइम जब मैं डेब्यू किया, जब फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट इलेवन में नहीं था, फर्स्ट मैच में दिल्ली के साथ, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि अरे यार इतना अच्छा एटमोसफियर में मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, लेकिन मुंबई में जाके मुझे चांस मिला और मैं मेरा अच्छा गेम देने का कोशिश किया, लेकिन ISL में फर्स्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम में जितना प्लेयर था हम लोग का बहुत सपोर्ट किया, और वो लोग का जो एक्सपीरियंस
जैसा था, हम लोग को जैसा शेयर किया वो लोग का एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अलग था, अलग तरीका का था। मुझे शौभिक मुखोपाध्याय का मैसेज आया, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। उन्होंने मुझे करेक्ट किया है कि नरेंद्र गहलोत का गोल 14 जुलाई को था सीरिया के अगेंस्ट। तो सॉरी प्रीतम एंड सॉरी अनंत त्यागी, वी नीड टू गेट आवर स्टैट्स राइट। तो थैंक्स शौभिक फॉर एडिंग टू दैट। बढ़िया, द इंटरकॉन्टिनेंटल कप वाज ऑन दिस टाइम लास्ट ईयर, तो गुड मेमोरीज ऑफ दैट। लेकिन आपने काफी सारे अपने आइडल्स की बात की। 2015 में प्रीतम यू गॉट अ नेशनल टीम कॉल अप एंड कैप्टन उस समय सुब्रत पॉल थे टीम के, एंड आई थिंक द मैच वाज इन गुवाहाटी अगेंस्ट अगेंस्ट नेपाल। नेपाल व्हाट वाज इट लाइक, फैमिली में कैसा रिएक्शन था, आपको कैसा फील हुआ जब पहली बार आपको नेशनल टीम कॉल अप आया एंड यू फाउंड योर नेम इन द स्टार्टिंग 11? ये तो सब मतलब मेरा छोटा सा एक ड्रीम था कि नेशनल टीम का जर्सी पहनना सबका ड्रीम रहता है, ये मेरा नहीं सिर्फ सबका ही रहता है। तो जब मैं फोन किया घर में पापा को बोला था कि मैं मुझे कॉल अप मिला कैंप में, तो बोला कब मिला मैं तो पता नहीं है मुझे। मैं बोला मिलेगा अभी आपको न्यूज भी मिल जाएगा। तो उसके बाद बहुत खुश था, मतलब पापा तो मेरा बहुत खुश था। लेकिन मेरा पापा एक ही बार बोला था कैंप में बहुत कोई को बुलाता है लेकिन तुम्हें खेलना है फर्स्ट 11 में। तो ये मेरा भी एक, जब उसके बाद पापा ने बोला था फिर उसके बाद से मेरा एक ही टारगेट था। जब मैं कैंप पे जा रहा था उस टाइम भी मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे खेलना है फर्स्ट 11 में, जैसे भी हो मैं हार्डवर्क करेगा और मुझे खेलना है फर्स्ट 11 में। और जब और एक बात है कि नेशनल टीम जर्सी पहन के नेशनल एंथम गाना हो सबका सामने, एक एक बहुत बड़ा बात है। देश के लिए कुछ करो, ये वो जर्सी पहनने में ही एक जोश आ जाता है कि कुछ करना है देश के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बात है। और उसके बाद यू नो यू वेंट ऑन अ रन विद द नेशनल टीम, जिसमें यू गाइस वन द सैफ कप इन 2016 एज वेल, एंड दैट वाज सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट बिग अचीवमेंट ऑफ दैट ग्रुप जो इकट्ठा किया था स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन ने। मेमोरीज ऑफ दैट सैफ कप विन, तो जो फाइनल आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता था। वो मेमोरी भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग का एक ग्रुप था जो हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफायर से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हम लोग साफ कप का पहले ही हम लोग एक मैच ही जीता था वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अगेंस्ट गुआम बेंगलुरु में 1-0। उसमें भी हम लोग 10 आदमी में खेला, 10 मैन था हम लोग। रविन भाई ने शायद रेड कार्ड देखा था मेरा ख्याल में, हाँ रविन भाई ने शायद रेड कार्ड देखा था, तो नहीं रविन सहनाज, सहनाज ने रेड कार्ड देखा था, रविन भाई ने स्कोर किया था रॉबिन ने, 1-0। हाँ यस यस 1-0 हम लोग जीता था। तो उस टाइम से हम लोग का एक टीम सेटअप चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग साफ कप में गया और साफ कप में बहुत दिन टाइम मिला हम लोग को प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक ही हम लोग का टीम में एक ही मोटिवेशन था कि हम लोग को ये साफ कप जीतना है। और अफगानिस्तान एयर का अगेंस्ट में जब हम लोग फाइनल में गया, अफगानिस्तान लोग तो पहले सोचा कि हम लोग इंडिया को हरा देगा क्योंकि वो लोग पार्टी वार्टी सब अरेंज करके रखा था होटल पे। तो ये एक सबका जब देखा, जब सुना कि ये पार्टी अरेंज किया तो ठीक है चलो आप लोग तो इंडिया अभी इंडिया को बहुत हल्का ले रहा है तो ग्राउंड में ही पार्टी होगा, तो ऐसा सबके मन में था। तो वो लोग का पार्टी स्पॉइल किया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा था उस टाइम टीम का। जब हम लोग 1-0 डाउन भी था तब भी कोई प्लेयर का भी ऐसा नहीं था कि अरे 1-0 डाउन है हम लोग हार जाएगा, कोई किसी का भी ऐसा नहीं था। जब हम लोग हाफ टाइम में ड्रेसिंग रूम में आया, कोच बोला गेम के बारे में कुछ ये करना है वो करना है, जो स्ट्रेटेजी रहता था उसका वो स्ट्रेटेजी लेके बात किया था। फिर उसके बाद जब हम लोग गया फिर उसके बाद हम लोग स्कोर किया, सुनील भाई ने गोल किया एक्स्ट्रा टाइम में गया। तो ये एक अच्छा मेमोरी है और एज ए ग्रुप एक अच्छा टूर्नामेंट था हम लोग के लिए। और फिर 2016 में यू नो द थिंग्स वर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू, क्योंकि आप फाइनली अपने होम टाउन वापस गए कोलकाता, एटीके के साथ खेले, होजे मलीना के अंडर वो टाइटल। कैसा कैसा एक्सपीरियंस था प्रीतम आपके ड्रेसिंग रूम में? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली देयर वाज हेल्ड अ पोस्टिगा, बोरहा फर्नांडिस जैसे प्लेयर थे, इयान ह्यूम था, समी ड्यूटी था, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, होजे मलीना के अंडर खेलना, कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी एक्सपीरियंस एक अलग तरीका का एक्सपीरियंस था क्योंकि उस टाइम में कैलकाटा में, उसके पहले मुंबई में मैं खेल लिया ऑलरेडी, फिर उसके बाद कैलकाटा में खेलना ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन था मेरे लिए। और जब हिल्डर पुस्तिका बोरा फर्नांडेज, हम लोग उसके पहले स्पेन में हम लोग 1 महीना का कैंप किया था, तो उस टाइम से वो लोग इतना फ्रेंडली, मतलब मैं बात करना वो लोग से थोड़ा डर रहा था कि अरे बात करूं क्या सोचेगा ये क्या बोलेगा, लेकिन वो लोग आके बात करता था ऐसे फ्रेंडली। अभी भी जब थोड़ा थोड़ा टाइम बात होता है, उसके बाद आईसीएल चैंपियन होने के बाद बोरा का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन, तो अभी भी ये जो मतलब एक रिलेशन
जैसा हो गया अभी, मतलब वो लोग ऐसा ही है कि मतलब कोई गेम में भी, हम लोग गेम में भी कोई मिस्टेक होगा वो ग्राउंड में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ग्राउंड का बाद जब हम लोग बाहर जाएगा तो वो बोलता है कि ऐसा तुम्हारा मिस्टेक हुआ, ये करो, ये करने से अच्छा होगा। तो ये एक प्लेयर लेके, और मेरा ख्याल से बोरा फर्नांडेज का जो कैप्टेंसी जो देखा हम लोग, और जैसा ड्रेसिंग रूम में वो जो जो हम लोग को मोटिवेट करता था, ग्राउंड में उसका जो कमिटमेंट था, ये हम लोग को बहुत मोटिवेट किया और मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि उसका एक मुंबई मैच में हम लोग सेमीफाइनल शायद नहीं तो लीग का कोई मैच में उसका रिब में इंजुरी हुआ था, तो उसको फिजियो ने बोला तुम खेल पाएगा, क्योंकि खेलने का जैसा नहीं था इतना उसका इंजरी था। तो मैं भी उस टाइम फिजियो रूम में था, मैच का पहले दिन हम लोग मुंबई गया, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट पे गया, मैं भी तो था उस टाइम। तो वो राइट ये बात बोला कि ये मैं कल 90 मिनट्स खेलेगा और मैच भी हम लोग जीतेगा। शायद मैच हम लोग जीत नहीं पाया लेकिन ड्रॉ हुआ, लेकिन उसका वो जो एक कॉमिटमेंट था कि नहीं मुझे खेलना है एज ए कैप्टन, वो कैप्टन था वो मुझे खेलना है। तो ये बहुत कुछ सीखा था एक प्लेयर को, और ऐसा टाइप का प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ा। फिर उसके बाद वो जब खेला इधर 2016, फिर उसके बाद 2017 में जाके वो स्पेन में भी खेला, जाके उसका टीम को प्रमोट किया ला लीगा में। तो राइट ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और फिर चैंपियन हुआ 2016 में, मेरा फर्स्ट ISL ट्रॉफी कलकत्ता के साथ 2016 में जीता था। ये बहुत 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 ही अच्छा मेमोरी है। उत्तरपाड़ा में तो आप ऑलरेडी हीरो थे, लेकिन कोलकाता में फिर लोग और पहचानने लगे जब आपने वो टाइटल जीता ATK के साथ। नहीं ऐसा 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 कुछ बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कैलकाटा में एक आपको पता ही है कि कैसा फुटबॉल क्रेज है, और चैंपियन होने के बाद जब हम लोग आया क्वेश्ट मॉल में, हम लोग का ट्रॉफी था उधर, तो बहुत आदमी आया, मतलब बहुत एंजॉय किया उस नाइट। लेकिन उसके बाद फिर उस टाइम आई लीग भी स्टार्ट होने वाला था, ISL आई लीग दोनों एक साथ चल मतलब खेलना होता होता था, फिर हम लोग आया बोनबान पे ज्वाइन किया, फिर आई लीग में चला गया। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस बहुत काम मुझे फ्यूचर में भी काम आएगा, और अभी भी थोड़ा बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा हम लोग ये सब प्लेयर के साथ खेल खेल के। आपने कैप्टनसी की बात की, बोरा फर्नांडेस की तारीफ काफी सारे लोग करते हैं, इयान ह्यूम ने की, लुइस गार्सिया से हमने इंटरेक्ट किया था, उन्होंने भी बताया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भी सारे स्पैनियर्ड से टच में रहते हैं, किस तरीके से जिसने जिन्होंने टाइटल जीता था पहले सीजन में ATK के साथ। बट आपने भी दिल्ली को कैप्टन किया ATK से, जब आप दिल्ली डायनमोस गए, उसके बाद वापस कोलकाता आना कैसे हुआ प्रीतम? क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो जो थी 2018-19 के सीजन की, उसमें आप मिड सीजन कोलकाता वापस आए, हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब दिल्ली में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो दिल्ली का पोजीशन थोड़ा अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मुझे कलकत्ता से कॉल आया, मेरे एजेंट को भी कॉल किया था, मुझे भी कॉल किया था आने के लिए। लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि मतलब टीम में एज ए कैप्टन टीम को उतना बुरा हाल में छोड़ के नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि पूरा सीजन खेल के फिर मैं कलकत्ता में, जो कलकत्ता उस टाइम मुझे बुलाएगा तो मैं आएगा। लेकिन उसके बाद क्लब क्लब में बात हुआ, तो फिर उसके बाद वो ये लोग भी कलकत्ता भी मुझे चाह था कि वो लोग का टीम में साइन करूं। फिर उसके बाद मैं और डेली भी मुझे बोला था कि मेरा ऊपर छोड़ दिया था, तो मैं सोचा कि मैं, और मेरा फैमिली में भी थोड़ा उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चला था, मेरा मम्मी मम्मी का बहुत तबीयत थोड़ा खराब था उस टाइम, तो क्योंकि मैं बहुत साल उस टाइम बहुत 2-3 साल बाहर था, तो इसलिए उसका थोड़ा तबीयत भी खराब था। तो मैं इस रीजन में ही मैं थोड़ा सोचा कि नहीं कलकत्ता में आना मेरा जरूरत है, तो इसलिए मैं फैमिली रीजन में मैं आ गया। फिर आके मैं मुझे वो लोग खेला, मैं उस साल खेला, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर इस साल चैंपियन हुआ हम लोग। तो कलकत्ता में जब मैं आया था, लेकिन मैं दिल्ली मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि वो लोग मुझे कैप्टन चुना था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तो इसलिए दिल्ली को थैंक्स, स्पेशली रोहन शर्मा, वो जैसा पैशनेट है फुटबॉल लेके, जैसा वो उसका क्लब को देखना चाहता है, शायद इन फ्यूचर वो उसका क्लब ऐसे ही पोजीशन में जाएगा, और वो हर टाइम यंग प्लेयर का बात करता है, ये बहुत बड़ा बात है। इंडिया में ऐसा क्लब होना चाहिए कि जो लोग यंग प्लेयर को चांस दें। या दे डूइंग वेरी वेल। रोहन वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे उनकी एवरेज एज जो है वो 21 है अभी, इंडियन प्लेयर्स की, दे इन्वेस्टिंग इन यूथ, बट यू नो ATK हैव इन्वेस्टेड इन यू प्रीतम, एंड
वो मूव जो आपने वापस कोलकाता की तरफ किया वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, बिकॉज जैसा आपने कहा यू वन द टाइटल अगेन. लेकिन बिफोर यू वन द टाइटल आप कोच हवास के अंडर खेल रहे थे जो ऑलरेडी एक ISL जीत चुके थे पहले. वो फीलिंग कैसी थी जब जब कोच से आप पहली बार मिले, आपने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने आपको क्या कहा सो दैट यू कुड बिकम अ बेटर प्लेयर? नहीं वो पहले बात तो मुझे ऐसे मैं सोचा कि मुझे वो जब मैं कैंप था हम लोग का कैंप से मैं गया था, फिर उसके बाद उसके साथ मिला तो मुझे बोला बोला कि तुम ठीक है, तुम मैं तुम्हारा गेम देखा. और वो एक्चुअली पुणे में जब मैं पुणे छोड़ के आया था तो उस टाइम वो पुणे में कोच हुआ था. तो पुणे पुणे से मैं जब कलकत्ता में साइन किया था वो पुणे में चला गया था. तो उस टाइम वो पुणे में हाँ तो वो पुणे में बोला था कि मुझे जाने के लिए तो लेके मतलब रखने के लिए बोला था शायद. तो इसलिए वो मैं फर्स्ट बोला था कि मैं पुणे में हम लोग एक साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन इस साल मैं काम करूंगा तो तुमको और भी बेटर और भी अच्छा खेलने का कोशिश करूंगा मैं. तो वो बोला था कि फर्स्ट कि तुमको मैं स्टॉपर खिलाऊंगा मतलब सेंटर बैक खिलाऊंगा. तो मैं बोला सेंटर बैक तुम खेल सकते हो क्या, मुझे डायरेक्टली पूछा था. तो मैं बोला हाँ मैं सेंटर बैक खेल सकता हूँ कोई बात नहीं. तो उससे बाद से वो स्टार्टिंग किया. और उसका एक चीज अच्छा है कि वो जो प्रैक्टिस में जितना इंटेंसिटी वाइज प्रैक्टिस होता है हम लोग का, और उसका पास में कोई प्लेयर छोटा या बड़ा नहीं है, वो सब सेम है उसके पास. उसके पास रॉय भी जैसा है, उसके पास कोमल ठटाल भी ऐसा ही है. तो ये एक कोच का और उसका सबसे बड़ा बात है कि वो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बहुत सही रखता है, जो एक टीम का बहुत जरूरी है कि ड्रेसिंग रूम अच्छा रहेगा तो टीम सक्सेस भी अच्छा होगा. तो उसके साथ काम करना बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा उसके साथ. एक साल में उसके पहले भी मैं सुना था कि वो बहुत हार्डवर्किंग कोच है, हार्डवर्क प्लेयर बहुत पसंद करता है. लेकिन उसके साथ एक साल काम करके बहुत अच्छा लगा. और उसका हर टाइम एक ही एम रहता है कि मुझे जीतना है, और कोई भी मैच हो प्रैक्टिस मैच भी हो तो मुझे जीतना है बस. और उसका जो गेम प्लानिंग है वो बहुत डिफरेंट है मुझे इंडिविजुअली, क्योंकि वही उन्होंने मुझे सेंटर बैक में खिलाएगा बोला था. तो वो मुझे प्रैक्टिस का बाद मुझे मेरा कौन सा गलती हुआ मैच में वो वीडियो दिखा के मुझे मेरा पोजीशनिंग करेक्ट करता था उस टाइम प्रैक्टिस के बाद. फिर प्रैक्टिस में पासिंग कम्युनिकेशन ये सब किधर जाने में मुझे अच्छा, क्योंकि राइट बैक का रोल और सेंटर बैक का रोल बहुत ही डिफरेंट होता है ग्राउंड पे. तो ये सब चीज में बहुत काम किया था मुझे वो. तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके साथ काम करके. बट ये आई वॉन्ट टू नो बिकॉज आपके ATK के स्क्वाड में चार अलग अलग कैप्टन थे. कार्ल मैक्यू ने एक मैच में शायद कैप्टनसी की, रॉय कृष्णा वॉज कैप्टन, यू वर कैप्टन फॉर अ फेयर फ्यू गेम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर वाज आल्सो वन मोर कैप्टन. बेसिकली चार अलग अलग कैप्टन जो है पूरे सीजन में मुझे मुझे देखने को मिले वहां पे. आगुस था हम लोग का स्टॉपर, आगुस गार्सिया कैप्टन ATK इन फोर गेम्स. ये what was the multi captaincy theory all about? क्योंकि coach Abbas usually sticks to one captain. नहीं actually इस साल बहुत कोई लीडर था टीम में. ये एक राज है क्योंकि हम लोग का टीम में बहुत कोई लीडर था. तो इसलिए वो पहले ही एक टीम मीटिंग में बोला था कि मेरा इस साल चार कर एक्चुअली पांच कैप्टन था, पबीर भी कैप्टन था, पांच कैप्टन हम लोग का. हाँ तो वो बोला था कि हम लोग का मुझे पांच कैप्टन चाहिए इस साल, क्योंकि वो जो बोला था कि पांच मुझे पांच मैच में पांच कैप्टन चाहिए और एक कैप्टन पूरा ड्रेसिंग रूम संभाल नहीं सकता है. पांच कैप्टन पांच पूरा टीम को रखेगा और कोई भी किसी का प्रॉब्लम होगा तो ये पांच कैप्टन डिसाइड करेगा कि क्या होगा. तो इसलिए वो पांच कैप्टन किया था. मैं था, प्रवीर था, कार्ल था, अगुस था और रॉय था. तो सबको घुमा घुमा के कैप्टनशिप देता था. यही एक रास था कि मतलब ड्रेसिंग पांच, ये पांच कैप्टन ही जो बोलेगा वही होगा ड्रेसिंग रूम में, मतलब ऐसा एक था. और उसके वो पहले दिन ही ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा कैप्टन कौन कौन होगा. दो तीन दिन चार दिन प्रैक्टिस के बाद ही वो डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन कैप्टन होगा. लेकिन हम लोग को बोला था केरला मैच के पहले, लेकिन वो डिसाइड कर लिया था पहले कि हम लोग का मेरा पांच कैप्टन यही रहेगा. So there was no superstition involved in this. मतलब this was simple कि simple हाँ एकदम simple कुछ ही. Excellent. Okay, I'm going to take a few fan questions. By the way, I had some interesting trivia for you, Pritham. आप अकेले ऐसे इंडियन प्लेयर हो जिसने ISL के हर मैच का हर मिनट खेला है फॉर अ साइड दैट हैज गॉन ऑन टू विन द टाइटल. आदित्य वारती गेव मी द स्टैट, यू नो आवर चीफ स्टैट्समैन, एंड आई वाज ब्लोन अवे. होजेमी वाज द फर्स्ट प्लेयर एवर
play every minute for a title winning side. That was also 80K season one. You're the first Indian player to do that. So congratulations to you. You Thank played you. all Thank 20 you so much. Thank you. 1980 minutes. So well done to you. And may you go from strength to strength. I've got a few questions from fans who main lunga. Abhishek Banerjee, kyunki hum coach Hawass ki baat kar rahe hain, wo pooch rahe hain ki हमें कोच हबास के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो फैंस नहीं जानते. इज ही द स्ट्रिक्टेस्ट कोच ऑफ ऑल टाइम? नहीं, एक्चुअली क्या है, उसको स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको देख के लगता है स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली वो जो चाहता है कि ग्राउंड में जो भी प्लेयर प्रैक्टिस जाएगा, मतलब ग्राउंड में जब चला जाएगा तो उसका 100% देना पड़ेगा उसको, वो मैच में हो वो प्रैक्टिस में हो. क्योंकि एक चीज एज ए प्लेयर मैं भी बोलता हूँ कि जब हम लोग प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं करेगा तो मैच में नहीं खेल सकता हूँ ना, तो इसलिए उसको उसका यही है. वो स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत कोई मुझे मैं भी सुना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये है वो है, लेकिन सिंपल डिसिप्लिन जो प्लेयर का है, प्लेयर का लाइफ में और एक टीम को लॉन्ग रन में जाना हुआ तो क्या 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 डिसिप्लिन में रहना है, ये एक बड़ा बात है. तो वही वो रूल्स फॉलो करता है, बस कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है. हाँ, ग्राउंड पे वो एग्रेसिव वो हर टाइम रहता है, क्योंकि उसको सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, जीतना है उसको, तो इसलिए वो ग्राउंड पे एग्रेसिव एग्रेसिव ऑल टाइम एग्रेसिव रहता है. ड्रेसिंग रूम में भी वो आप हाफ टाइम में आएगा, हाफ टाइम में भी वो एग्रेसिवली बात करता है. तो ये एग्रेसिवनेस उसका, वो इतना एग्रेसिव होगा तो प्लेयर भी ऐसे ही एग्रेसिव हो जाएगा कि उसको देख के. तो ये है उसका बड़ा बात है कि ऐसा कोई वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये रूल्स फॉलो करो. वो सिंपल जो एक टीम को लॉन्ग रन में अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए जो डिसिप्लिन रहना है, वो वही डिसिप्लिन मेंटेन करता है. टाइम टू टाइम आना है खाना खाने में, डिनर में, लंच पे, प्रैक्टिस में टाइम पे आना है, और कोई भी लेट होगा तो फाइन, जैसा ऐसा स्ट्रिक्ट रूल जैसा ऐसे ही है. मतलब कोई कोई भी प्रैक्टिस में लेट आएगा उसको फाइन देना पड़ेगा. तो ये पांच कैप्टन ही डिसाइड, कोई ये पांच कैप्टन ही डिसाइड करेगा. एक टाइम रहता है, उसका टाइम का अंदर ही हम लोग को आके साइन करना पड़ता है. तो कोई 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट करेगा तो फाइन, इमिडिएटली फाइन देना है, नहीं तो प्रैक्टिस में नहीं अलाउ होगा उसको. ऐसे ही रूल्स था. तो ये How many people paid a fine this season? क्या आपने fine दिया? Actually नहीं, मैं fine नहीं दिया. Actually कोई चार तीन या चार बंदा ने fine शायद दिया था, नहीं actually कोई fine नहीं दिया था शायद, क्योंकि 4:15 का 5 बजे से practice रहता था हम लोग का, शाम को practice होता था, 5 बजे से practice होता था, तो 4:15 का अंदर हम लोग को आना, 45 minutes before practice आना होता था, तो सब आ जाता था. कोई कोई fine नहीं दिया, ऐसा तो कुछ fine नहीं दिया. आप ट्रेनिंग सेशन से वापस आते हो, यू टेक डाउन नोट्स, वेदर यू मेड सम मिस्टेक्स एज अ राइट बैक और यू डन समथिंग वेरी वेल एज अ सेंटर बैक, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? शेयर विद द आईएसएल ऑडियंस एज वेल, प्रीतम. एक्चुअली मैं पहले भी पहले लाइव में भी मैं बोला था, क्योंकि एक्चुअली ये मुझे बॉल बहुत हेल्प करता है. जो मेरा जो चाइल्डहुड कोच है वही मुझे सिखाया था ये करने के लिए, और एवरीडे मैं फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ. क्योंकि एक्चुअली जब क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तब मैं डिफेंसिव मिडफील्ड में स्टार्ट किया था, फर्स्ट डिवीजन कलकत्ता में जब खेला था डिफेंसिव मिडफील्ड में स्टार्ट किया था. तो उसके बाद मेरा पोजीशन राइट बैक हुआ, फिर मैं पहला एरोस था, इंडियन एरोस था, एएफएफ का जो इंडियन एरोस था, उसमें आके फिर मैं सेंटर बैक खेला, अर्थात फपस का अंडर में सेंटर बैक खेला, राइट बैक खेला, लेफ्ट बैक खेला. फिर अंडर 19 में जब एक्चुअली मुझे कॉलिंग सर ने मेरा पोजीशन चेंज किया था, राइट बैक किया था. तो जब पोजीशन चेंज होता है तो वो सब मैं राइट डाउन करता हूँ, और मैं बिफोर प्रैक्टिस जब जाता हूँ प्रैक्टिस के पहले थोड़ा उसको देखता हूँ कि मुझे आज जाके क्या क्या इम्प्रूव करना है. क्योंकि हर दिन में कुछ कुछ ना कुछ कुछ मिस्टेक तो सभी ने करता है, मैं भी करता हूँ, मैच में भी मिस्टेक करता हूँ, प्रैक्टिस में भी मिस्टेक करता हूँ. तो प्रैक्टिस में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो मिस्टेक हुआ आज, जो मैं मिस्टेक किया वो कल मैं रिपीट ना करूँ वो मिस्टेक. इसलिए ही मेरा वो नोट डाउन रहता है, और मैं प्रैक्टिस फिर जब मैं प्रैक्टिस जाता हूँ नेक्स्ट डे उसका पहले मैं देखता हूँ कि मेरा ये मिस्टेक था और मुझे ये इम्प्रूव करना है. तो मैं जाके प्रैक्टिस में जाके वो कोशिश करता हूँ इम्प्रूव करने के लिए, कितना करता हूँ वो भी मैं आके देखता हूँ कि मैं आज ये किया इम्प्रूव और ये नहीं किया, तो मुझे फिर नेक्स्ट डे जाके और अच्छा करना है. तो ऐसे ही इसका पीछे यही राज है. और इस साल मैं थोड़ा ज्यादा ही किया, क्योंकि मुझे
अचानक से एकदम राइट बैक से पूरा सेंटर बैक ही खेलना हुआ, तो और आईएसएल स्टैंडर्ड में सेंटर राइट बैक से सेंटर बैक खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मुझे इस साल और भी ज्यादा करना पड़ा इनसाइड द ग्राउंड, फिर उसके बाद आके मुझे मैच का वीडियो, फिर उसके बाद नोट डाउन करना पड़ता है क्या क्या मिस्टेक हुआ, फिर जाके कोच को पूछना पड़ता है कि कोच ये पोजीशन में ये तो ये हुआ, फिर मुझे मुझे क्या करना है, फिर वो आके मुझे राइट डाउन करना पड़ता है, फिर राज ऐसा ही है कि मतलब मैं खुद को और कैसे इम्प्रूव करूँ ये मैं हर टाइम सोचता हूँ, क्योंकि एक मतलब इम्प्रूवमेंट तो हर दिन करना है मुझे, कोई एक दिन एक टाइम इम्प्रूवमेंट किया फिर उसके बाद स्टॉप हो गया ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट करते ही जाना होगा, और इसलिए हाँ इसलिए मेरा यही राज है कि मुझे मैं कंटिन्यूअसली ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चालू। There was a question about this from Jobby Just 9N. He wanted to name himself Jobby Justin, but he couldn't because Jobby Justin is your teammate. But he's a fan. He's a big fan of yours. He's saying he's a big fan, and he wants to know from being a pure right back to shifting into a center back and also left sided midfielder, how difficult is it to adjust in those positions? So, आपसे पूछ रहे हैं कितना मतलब difficult रहा आपके लिए खास तौर से, क्योंकि Colin Joseph ने जब तक आपको right back नहीं खिलाया उससे पहले आप midfield में खेलते थे। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट तो बहुत ही है, लेकिन राइट बैक में मुझे डिफेंसिव अटैकिंग दोनों करना पड़ता है, और सेंटर बैक में मुझे मैं सेंटर में, लेकिन मुझे पूरा टीम को टीम जो है पूरा टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है पीछे रह के, और मुझे मेरा स्ट्राइकर को भी फॉलो रखना होगा, राइट बैक को राइट बैक कवरिंग में आया नहीं आया मुझे देखना पड़ेगा, तो ये सब चीज मुझे बहुत एडजस्ट करना होता है और एडजस्ट करना पड़ा पूरा आईएसएल में, क्योंकि मैं ऐसे ही बोला कि मुझे कोच वीडियो क्लिपिंग्स दिखा के मेरा पोजीशनिंग करेक्ट किया, किधर कौन सा पोजीशन में मुझे खड़ा होना होगा, मुझे मेरा राइट बैक को कैसे बुलाना होगा जब अपोजिट साइड से बॉल आएगा, तो ये सब चीज डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कर पाऊंगा और मैं किया, और इन फ्यूचर यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट? यस यस, और भी अच्छा करना होगा मुझे इन फ्यूचर एज ए सेंटर बैक एज ए राइट बैक, और आजकल का फुटबॉल में मॉडर्न फुटबॉल में आप बोल नहीं सकते है कोच को कि मुझे मैं राइट बैक खेलता हूँ कि और मैं मुझे मिडफील्ड खेलता हूँ, आपको कोच को ऑप्शन देना पड़ेगा कि मैं नहीं राइट बैक खेल सकता हूँ सेंटर बैक खेल सकता हूँ और लेफ्ट बैक खेल सकता हूँ, डिफेंसिव पोजिशन में आप तीन ऑप्शन देंगे तो कोच के लिए भी आसान होगा टीम बनाने के लिए, तो मेरा ख्याल से यही मुझे मोटिवेट किया कि मैं सेंटर बैक में ट्राई करूं, तो इस साल आवास कोच ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया करने के लिए, तो इसलिए सेंटर बैक। आई होप दैट आंसर्स जॉबी जस्ट 9N's क्वेश्चन एंड व्हाट अ टीम, मतलब मैं आई वाज लुकिंग एट द लाइनअप ऑफ एडी के प्लेयर्स, जयेश राणे, बलवंत सिंह, सहनाज सिंह, प्रणॉय हल्दर, आप नाम लेते रहो एंड यू नो द स्टार्स डोंट फिनिश इन दैट टीम, इट मस्ट हैव बीन वेरी स्पेशल टू शेयर अ ड्रेसिंग रूम विद सम ऑफ दीस गाइस इंक्लूडिंग से यू नो रॉय कृष्णा, डेविड विलियम्स, मतलब ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस, बिकॉज यू गाइस सच एक्सपीरियंस प्लेयर्स कमिंग टुगेदर इन वन ड्रेसिंग रूम, ऐसा बहुत कम होता है अपनी तो। हाँ, ये मतलब इस साल का हम लोग का टीम बहुत ही अच्छा था और स्ट्रॉन्ग टीम था, एक बेंच भी जैसा स्ट्रॉन्ग था, फर्स्ट इलेवन भी स्ट्रॉन्ग था, और प्रैक्टिस में आप एक दिन प्रैक्टिस में हम लोग का इतना फाइट होता था कौन लेगा फर्स्ट इलेवन का पोजीशन, मतलब इतना फाइट होता था, तो यही एक टीम का खासियत है कि टीम में जब कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा तो एक टीम बड़ा नहीं होगा और एज ए चैंपियन नहीं हो सकता है, और एज ए प्लेयर भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, आज मुझे पता है कि मेरा पोजीशन श्योर है मैं जाएगा तो मैं खेलेगा, तो आप मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, मुझे पता होगा कि यार मेरा सामने कोई फॉरेनर है और कोई दूसरा प्लेयर है, तो मुझे होगा कि नहीं चलो मैं भी अच्छा करना होगा मुझे, और उसको भी ऐसा भी होगा फील होगा कि यार मेरा पोजीशन में पीतम है तो चलो मुझे भी अच्छा कर, तो ये फाइट जो है ग्राउंड पे ये बहुत हेल्थी फाइट है और ये अच्छा है टीम के लिए एज ए प्लेयर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ऐसा हर टीम में होगा तो प्लेयर का भी इम्प्रूवमेंट होगा और टीम को भी सामने जाने के लिए बहुत अच्छा होगा। मत करो यार, दूसरी टीम्स भी आईएसएल जीतना चाहती हैं। If you guys keep producing a team like that, then it'll become difficult for others. But there was a question from Lopamudra Mukherjee who wanted to know ATK में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? I mean you have so many Bengalis as well in this squad में. Actually ATK में सभी अच्छा दोस्त है मेरे साथ। नहीं, एक नाम लेना।
एक नाम मैं लूंगा तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं जब मैं अंडर 19 से, मैं प्रणय प्रवीर के साथ अंडर 19 से, उसके पहले भी बीसीसीआई ट्रॉफी भी एक साथ खेला। फिर उसके बाद अरिंदम दा के साथ हम लोग जब अंडर 19 में था, वो चर्चिल में खेल रहा था, तो अरिंदम दा के साथ उस टाइम से रिलेशन है। तो स्पेशली मैं इस साल बहुत टाइम में अरिंदम दा का साथ ही ज्यादा ज्यादा टाइम बिताया था हम लोग, तो अरिंदम दा के साथ ही थोड़ा बात, गेम का बात, थोड़ा पर्सनल लाइफ का बात उसके साथ ही शेयर करता था। लेकिन हम लोग का जो 4-5 प्लेयर था, और स्पेशली रॉय के साथ भी, रॉय भी हम लोग का साथ इतना रहता था, हर टाइम हम लोग के साथ ही रहता था। वो जब एयरपोर्ट में गेम का बात, फिर होटल में सब हम लोग एक साथ बैठ के कॉफी सब वगैरह पीता था, तो एक टीम जैसा था। कोई एक का नाम लेगा तो दूसरा कोई सोचेगा कि अरे मैं नहीं था क्या? तो ये बहुत नहीं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे साथ सबका ही दोस्ती अच्छा है और ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई एक को लेके मतलब कोई एक का नाम लेगा तो दूसरा कोई खराब सोचेगा, तो इसलिए मेरे साथ सबका ही रिलेशन अच्छा है। और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अरिंदम का साथ मैं ज्यादा टाइम बिताया इस साल, तो अरिंदम दा का साथ मेरा दोस्ती ज्यादा था। बच के रहना, अगर अरिंदम भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी निकलेगी तो अ लॉट ऑफ योर पर्सनल स्टोरीज आर आल्सो गोइंग टू कम आउट विद इट प्रीतम. नाउ आई एम ओनली जोकिंग, बट दैट विल बी फन. बट ओके, देयर वाज अनदर वन फ्रॉम ईस्ट बंगालियन शॉमी 10 हु वांटेड टू नो व्हाट वाज द फनीएस्ट मोमेंट इन द एटीके ड्रेसिंग रूम. कोई ऐसा मोमेंट आपको याद हो जिसमें व्हिच लिफ्टेड द स्पिरिट्स इन द ड्रेसिंग रूम? फनीएस्ट मोमेंट, सबसे फनी था तो अरिंदम दा ही था, क्योंकि वो हर टाइम मतलब वो ड्रेसिंग रूम में आना मतलब तो बकबक चालू हो जाता है, पूरा ड्रेसिंग रूम ऑन हो जाता है। हाँ, ऑफ मूड में रहता है सब, और वो आता है अंदर सब ऑन मूड में रहता है। तो उसका बर्थडे में एक उसका बर्थडे था, वो हम लोग का गेम चल रहा था उस टाइम, उसका बर्थडे था, तो वो केक कटिंग हो गया, उसके बाद उसका पूरा मुंडी लेके केक का अंदर दिया, और धीरज ने पीछे से आके एक का जो अंदर का जो येलो कलर का होता है पूरा वो तोड़ के उसका सर में दे दिया। तो सर वो पूरा एक साथ सब मिलके दिया था, फिर वो ही एक फनी फनी मोमेंट है। और उसके बाद एक बारिश बारिश हुआ था, तो बारिश जब हो रहा था तो प्रैक्टिस हम लोग का खत्म हो गया, तो वो बहुत स्लिप ही था उधर पानी में, हाँ और अरिंदम दा सही. जाके हाँ स्लाइडिंग किया, और उसका सर जाके दयाल वो जो वॉल है वॉल में जाके हिट किया। फिर ओ गॉड, वो सबने बोला कि तेरा लगा है क्या? तो उठ के बोला नहीं मुझे मेरा कोई नहीं लगा, लेकिन अंदर उसका लगा है सर में, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा ही वो ऐसा ही था, मतलब हर टाइम वो भी एक फनी मोमेंट था। तो ऐसे ही राइट. ड्रेसिंग रूम में हर टाइम मजाक चलता था। ड्रेसिंग रूम का जब हम लोग ग्राउंड पे रहता था तो सब सीरियस रहता, लेकिन प्रैक्टिस खत्म पूरा हम लोग का ड्रेसिंग रूम पूरा एक साथ हंसी मजाक गाना सब चलता रहता था। मेरा ख्याल से इनफैक्ट इनफैक्ट 2016 में भी मैं ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ड्रेसिंग रूम का माहौल था, बट मेरा 2019 थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए, पता नहीं क्यों, स्पेशल. लेकिन 2019 एक स्पेशल ड्रेसिंग रूम मुझे मिला। आई वाज गोइंग टू आस्क यू बिकॉज़ देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम रूपा सोम ऑन यूट्यूब एंड वांटेड टू नो आफ्टर विनिंग द कप व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली. आपने कहा इतना स्पेशल रहा 2019-20 सीजन जीतना, फैमिली का कैसा रिएक्शन था क्योंकि अब आप दूसरी बार जीते थे. हाँ ये तो मतलब दूसरी बार जीतना, क्योंकि जब मैं फाइनल खेलने जा रहा था, मेरा एक उधर भी एक स्टोरी है कि मेरा मम्मी पापा मेरा दो भैया का टिकट भी ऑलरेडी बुक हो गया था कि गेम देखने जाएगा। और मैं सेमीफाइनल में भी बेंगलुरु का गेम के पहले भी मैं बोला था कि आप लोग को मैं फाइनल में दिखाने के लिए लेके जाऊँ, क्योंकि इसका पहले जब 2016 में फाइनल हुआ था केरला में, तो उस टाइम मतलब वो लोग नहीं गया था उधर, तो इस टाइम मेरा राइट एक मन था कि फाइनल थोड़ा वो लोग को सामने से दिखाऊं क्या माहौल रहता है फाइनल का। तो इसलिए मैं वो लोग को बोला था बीएफसी मैच का पहले कि हम लोग फाइनल में जाएगा, तो आप लोग को हमें तुम पापा को और मम्मी को लेके जाएगा। तो मैं बेंगलुरु मैच खत्म हुआ उसके बाद मैं पूरा टिकट विकेट कट के पूरा रेडी था, फ्लाइट टिकट कि वो लोग जाएगा गेम देखेगा फिर उसके बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वो। तो yeah. फिर एक बार बोला था कि चलो हम लोग नहीं जा पा रहे, लेकिन ट्रॉफी लेके आओ और तुम्हारे भी एक अच्छा अचीवमेंट होगा, क्योंकि सेकेंड टाइम तुम आईएसएल जीतोगे। तो मैं मेरा पापा को मम्मी को मेरा फैमिली को बोला था कि मैं कोशिश करूंगा 100% कि मैं ट्रॉफी लेके आऊँ।
और मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था ये साल, क्योंकि लास्ट 2 साल दिल्ली में उतना भी अच्छा एज ए टीम हम लोग अच्छा नहीं कर पाया। फिर तो इस साल मेरे लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था कि मैं मेटिके ने मुझे इतना लेके आया दिल्ली से ट्रांसफर विंडो में, और मैं कुछ रिटर्न कर दूं तो एटीके के लिए। तो ये अच्छा है, तो ट्रॉफी लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एटीके को ट्रॉफी दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बेंगलुरु की बात की, एटीके और मोहन बगान दोनों की काफी राइवलरी रही है बेंगलुरु एफसी के साथ। देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच केम फ्रॉम अगेन लोपामुद्रा मुखर्जी एंड वांटेड टू नो कौन सी टीम के साथ खेलने में आप लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फील होती है, बीएफसी या है, आपको गोवा बीएफसी और गोवा, एफसी गोवा। इस साल के अगेंस्ट तो आपने गोल मारा था। हाँ, गोवा के अगेंस्ट में हम लोग जीता था, लेकिन आई थिंक गोवा का जो प्लेइंग स्टाइल है और बीएफसी का जो प्लेइंग स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है। बट एज ए टीम कोई एक टीम का नाम लेना जरूरत मतलब अच्छा नहीं होगा, सब टीम इस साल बहुत ही अच्छा था। लेकिन मेरा ख्याल से एफसी गोवा और बीएफसी का साथ हम लोग का थोड़ा टफ फाइट हुआ इस साल, और इवन इवन चेन्नई के साथ भी। बट राइवलिटी जो आप बोला वो तो बीएफसी के साथ ही ज्यादा ही है हम लोग का, क्योंकि हर टाइम जब गेम होता है एक अच्छा अच्छा गेम होता है, तो ये अच्छा है क्योंकि राइवलिटी रहना अच्छा है। टीम के साथ एक अच्छा गेम देखने का मिलता है, और जो फाइटिंग स्पिरिट रहता है ग्राउंड पे ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंड स्पीकिंग ऑफ एटीके मोहन बगान, अनुब्रता नाथ हैड अ क्वेश्चन, व्हाट्स योर टेक ऑन द मर्जर, मतलब अब एटीके मोहन बगान जब एक साथ आ गए हैं तो ये इससे कोलकाता को कितना फायदा होगा? प्रीतम ऑब्वियसली अनुप्रभा बहुत अनु अनुब्रता नाथ वांटेड टू नो, सॉरी। मेरे लिए एक्चुअली अच्छा हुआ कि कलकत्ता के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मोहन बगान का जो सपोर्टर लोग का जो पैशन है फुटबॉल के लिए, और वो जो मतलब मोहन बगान मतलब एक ब्रांड है और एटीके भी एक ब्रांड है, दोनों एक एक आई लीग चैंपियन और एक आईसीएल चैंपियन, तो दोनों मिक्स्ड होके इन फ्यूचर मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इन फ्यूचर। सिर्फ नेशनल लेवल लेवल में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी हम लोग को एफसी कप भी इस साल है, एफसी कप है हम लोग का, तो हम लोग ट्राई कोशिश करेगा कि एफसी कप भी जीतने के लिए, और ये मार्जर इन फ्यूचर बहुत आगे जाएगा और भी अच्छा करेगा। होपफुली सब सबको सपोर्ट करना है, और ग्राउंड पे जैसे आके हम लोग को सपोर्ट किया था ये सपोर्ट करना है। एक्सेलेंट, और आपका नेशनल टीम के साथ भी स्टिंट जो है वो चल रहा है प्रीतम, हाउ इज इट शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम विद पीपल लाइक सुनील छेत्री, संदेश सिंगन, गुरप्रीत सिंह संधू एंड जे लाल पेखलुआ, जिनके साथ आप मोहन बगान में भी रहे हो? ये तो एक बहुत ही बात है, क्योंकि संदेश के साथ मैं अंडर 19 से ही था, और जीजे भाई के साथ, जीजे भाई गुरप्रीत भाई के साथ अंडर 23 में मिला था फर्स्ट। फिर उसके बाद एक साथ चल रहा है इतना दिन, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, और सुनील भाई को स्पेशली सुनील भाई को लेके अलग कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि वो हम लोग का ऑलवेज हम लोग का लीडर है, लीडर रहेगा, और जैसे वो हम लोग को गाइड करता है वो गेम से लेके स्टार्ट करके फूड फूड हैबिट जो सब कुछ क्या क्या खाना है ये सब बहुत कुछ चेंज किया है। और जैसे वो प्लेयर को मोटिवेट करता है, एज ए यंग प्लेयर को जैसे मोटिवेट करता है, हम लोग को जैसे मोटिवेट करता है बिफोर गेम क्या करना है नहीं करना है और खाना क्या है, और सबसे स्पेशल है कि उसको देख के ऐसा अच्छा लगता है कि ऐसे भी मतलब उसका जो खाना होता है जो खाता है मतलब वो खुद को जैसे मेंटेन करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग भी उससे उसको देख के मोटिवेट होते हैं कि अरे सुनील भाई ऐसा कर रहा है तो मुझे हम लोग को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए कैप्टन वो ऑलवेज चाहता है कि मेरा टीम जो है वो मतलब मेरा टीम को मेरा तरफ रहना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है, हम लोग सुनील भाई को देख के बहुत बहुत कुछ सीखता है, ग्राउंड पे भी सीखता है और ऑफ द फील्ड में, जैसा बोला कि न्यूट्रिशन डाइट ये सब तो उसको देख के हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। Yeah, he continues to be an inspiration, and you know, a lot of people have mentioned how उन्होंने अपनी डाइट चेंज की है सुनील भाई को देख के, खासतौर से वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो हुआ था जिसमें जिसके जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे एशियन कप के लिए, दैट इज द टाइम जब वो आए आपके पास और काफी सारे प्लेयर्स को उन्होंने मोटिवेट किया कि सबको अगर हमें हाँ फाइट सबको देनी बोला है। था, हाँ सबको बोला था कि क्योंकि एशियन कप जो है उसका लेवल थोड़ा अलग ही था एशियन कप में, क्योंकि
क्योंकि हम लोग को फाइट करना होगा अगेंस्ट थाईलैंड, अगेंस्ट यूएई, अगेंस्ट जॉर्डन, तो हम लोग वो हिसाब से हम लोग रेडी नहीं होगा, तो हम लोग जाके 3-4 गोल खा के फिर आ जाएगा। तो हम लोग को अभी उस टाइम से हम लोग को वो बोला था कि हम लोग को अच्छा खाना खाना होगा, अच्छा रेस्ट लेना होगा, रिकवरी अच्छा लेना होगा। तो ये एज ए कैप्टन, एज ए एक कैप्टन ऐसा बोलेगा तो सब प्लेयर सोचेगा अरे कैप्टन बोल रहा है, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आता है अंदर से। तो हम लोग सभी ने ट्राई किया और अभी अभी प्लेयर प्लेयर लोग बहुत ही खाना उसका डाइट लेके बहुत ही कॉशस है, क्योंकि कोई गंदा खाना नहीं खाता है। जब कैंप में रहता है तो उस टाइम भी नहीं खाता है, लेकिन बाहर में भी सभी अपना अपना खाना लेके डाइट लेके बहुत ही कॉशस है। तो ये एक इंडियन फुटबॉल में बहुत चेंज आया है। करेक्ट. I'm going to play a round with you, Preetham, which is called Tiki Taka, where I give you some clues and you have to guess the player. Okay, so ready for this? Yes. जो पहला क्लू है वो ये है कि आई एम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू फॉर एटीके अंडर एंटोनियो हबास इन हीरो आईएसएल. और मतलब तीनों सीजन जो कोच हबास कोच रहे हैं उसमें ये प्लेयर इज द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू एवर. तीनों सीजन में नहीं मतलब तीनों सीजन जो कोच हबास रहे हैं उसमें मिला के ये वो प्लेयर है जो ओके इज द यंगेस्ट. आई थिंक सुमित राठी। यू थिंक राइट, इट इज सुमित राठी. वेल डन यस सुमित सुमित राठी, राठी. यस सुमित राठी का राठी। प्रोग्रेशन देख के कैसा लगा? बिकॉज यू नो ही केम एज समबडी जिन्हें जितने एटीके यस ने जल्दी फास्ट ट्रैक किया अपनी सीनियर टीम में, एंड नाउ ही वन द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन. उसका एक चीज बहुत अच्छा है कि वो हर टाइम सीखना चाहता है और ग्राउंड पे वो 100% देता है। लेकिन जब वो आया था तब रिजर्व टीम से आया था प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग का एक प्लेयर का शायद इंजुरी हुआ था, तो वो आके फर्स्ट 11 में खेल लिया, इतना मैच खेला, अच्छा वो अच्छा खेला, फिर उसके बाद इमेजिन प्लेयर हो गया। तो ये एक वो इन फ्यूचर ऐसे ही उसका प्रोग्रेशन रहे और वो इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छा खेले, यही मेरा दुआ रहेगा। और एज ए क्या बोलूँगा, एज ए ब्रदर और एज ए कुछ भी चाहिए उसको, मैं हर टाइम उसका साथ हूँ और वो बहुत अच्छा लड़का है और ऐसे ही मेहनत करते जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और ऐसा बहुत मेहनती खिलाड़ी है जिनके बारे में मैं आपको पूछने वाला हूँ. क्लू इज आई हैव मेड 46 अपियरेंसेस फॉर एटीके इन द आईएसएल व्हिच इज द मोस्ट फॉर एनी डिफेंडर. 46 इंडियन प्लेयर, इस प्लेयर ने 46 अपियरेंसेस किए हैं एटीके के लिए आईएसएल में व्हिच इज द मोस्ट फॉर एनी डिफेंडर. ये पहला क्लू है. आई कैन गिव यू मोर इफ यू वांट. यस यस वन मोर। ओके आपके साथ मतलब अलोंगसाइड यू ये अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईएसएल का टाइटल एटीके के साथ 2 बार जीता है. प्रवीर दैट्स राइट. व्हाट अ फिनोमिनल कमबैक फ्रॉम प्रवीर प्रीतम. क्योंकि इंजरी के बाद इस तरीके से वापस आना एंड टू हैव अ सीजन लाइक ही डिड. आपके हिसाब से प्रीतम ने सॉरी प्रवीर ने ऐसा क्या किया प्रीतम व्हिच मेड हिम सच अ डिफिकल्ट प्लेयर टू प्ले अगेंस्ट. आई थिंक जब उसका इंजरी था उसके बाद जो वो बेंगलोर में, शायद वो बेंगलोर नहीं तो चेन्नई में जो जाके ट्रेनिंग किया था, वो बहुत बहुत हार्डवर्क किया। मतलब उस टाइम जो ट्रेनिंग किया वो उसका किसी को पता नहीं है कि वो कैसे उधर दिन बिताया। एक रूम में रहता था, फिर उसके बाद निजे खुद खाना पका के, फिर जाके प्रैक्टिस, सुबह सुबह में प्रैक्टिस, फिर आके रेस्ट, फिर दोपहर में जिम, फिर जिम से फिर ग्राउंड। तो ऐसा कॉन्टिन्यूअसली वो 2-3 महीना ऐसा किया। फिर उसके बाद आके एटीके का जो टीम के साथ हम लोग का साथ ज्वाइन किया, उसके बाद भी वो मेहनत किया प्रैक्टिस में, तो बहुत मेहनत किया। और उसके मेहनत किया बोल के आज इतना अच्छा खेला आईएसएल में। और सबसे बड़ा इंजुरी के बाद, बहुत कोई लड़का है इंजुरी के बाद आके ऐसा नहीं खेल पाता है, क्योंकि वो जैसा मेहनत किया इंजुरी के बाद, जैसा रिकवरी प्रोसेस था उसका, तो ये बहुत उसको हैट्स अप की। सबसे बड़ा बात है कि उसका एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग है, कि वो सब हर टाइम पॉजिटिव सोचता है कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा, कर दूंगा, चल। एक मतलब मैच का पहले वो उसको पूछता हूँ कि भाई आज का मैच जीतना है, बोला हाँ जीतेगा, चल कोई बात नहीं। तो ऐसा एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उसका मन में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, तो ये अच्छा चीज है, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। आई एग्री एंड ही इज द मोस्ट ही इज वन ऑफ माई फेवरेट पीपल ऑन इंस्टाग्राम. बहुत एंटरटेनिंग आदमी है वो. इंटरटेनिंग, उसको हाँ
I hope to meet him very soon in person. Okay, the next clue for the next player is ये तो आपके लिए इजी होगा, मैं थोड़ा सा मुश्किल करता हूं. I set the record for scoring the most number of goals by an ATK player in one season. एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल ATK के लिए मारने वाला प्लेयर कौन है? Roy. That's right. Ian Hume was, I thought you were thinking of Ian Hume. मुझे एक सेकंड के लिए लगा, but yeah, Roy Christensen. Ian Hume, I thought Ian Hume, but कैप्टन, जैसे आपने कहा मल्टी कैप्टनसी जो थियरी थी कोच हवास की, उसमें रोहित कृष्णा भी थे. व्हाई वाज इट सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग अगेंस्ट एनी अदर फॉरेनर? वो एक्चुअली वो फॉरेनर नहीं है, वो शायद इंडियन ही है, क्योंकि हर टाइम हम लोग के साथ हम लोगों को पता नहीं कि वो बंगाली बोलते हैं या हिंदी भी बोलते हैं. बंगाली बोलते हैं प्लस हिंदी भी बोलते हैं वो. हाँ, हिंदी हिंदी में भी बात करते हैं वो, और हम लोग के साथ जब मिलता है तो हिंदी में ही बात करता है. जब वो एक टीम मतलब हम लोग के साथ बहुत मिल गया था आके, क्योंकि जब आया फिर उसके हर टाइम मतलब मैच के बाद एयरपोर्ट में हम लोग के साथ रहता था. वो खुद फोन करके बोलता था भाई इधर कॉफी खाएगा, चल कॉफी खाने जाता है. तो ऐसा एक रिलेशन रिलेशन उसके साथ हो गया था. फिर ग्राउंड में उसका जो कमिटमेंट आप लोग सबने देखा कि कैसा वो खेला है इस साल, एज ए प्लेयर और एज ए ह्यूमन बहुत अच्छे हैं. Great player and a great person to hang out with. So lucky you कि आपको इतना time spend करने को मिला Roy Christensen के साथ. And now you will get more because he signed another extension. So that's great news for ATK Mohan Bagan. Okay, I'm going to play another round with you. And just before we close this session, which is a rapid fire, so it's called One Touch Let's Football. So try and make it as quick as possible. Right. Okay. Staff Cup 2015-16 title or Hero Intercontinental Cup 2018. I think Saf Cup. 2016. Yeah. Okay, done. Steven Constantine or Igor Stamats? It's very difficult. एक ने डेब्यू दिया था कमल के. It's very difficult, but I think Stephen के अंडर में मैं डेब्यू किया था, तो वो मुझे बुलाया था कैंप में. I think Stephen. Okay, लेकिन Igor भी अभी आया तो वो भी एक सिस्टम एक प्रोसेस चालू किया नेशनल टीम में. उसका प्लेइंग स्टाइल भी थोड़ा अलग है और स्टीफन का प्लेइंग स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों कोच ही अच्छा है. बट स्टीफन मुझे डेब्यू किया था, वो बुलाया था नेपाल के अगेंस्ट, फर्स्ट उसका अंडर में मेरा डेब्यू हुआ था, लेकिन बोथ द कोचेस आर वेरी गुड. सो मोर स्पेशल फॉर यू बिकॉज ऑफ दैट. ओके, होजे मोलिना और एंटोनियो हवास? आई थिंक हवास. Okay. Edu Garcia or Javi Hernandez? दोनों ही मेरा टीम का प्लेयर है, जी एक नाम बोलूं तो Edu Garcia. Edu Garcia, what a player. To score so many goals from the bench, amazing. Roy Krishna or David Williams? I think Roy. Roy. Center back or right back? Or left back? Defensive को और सब हर पोजीशन मेरा फेवरेट है. Okay. Goalkeeper? No. Biryani or Mishti Dohi or Luchi? Biryani. Biryani. Yeah, I know. You like your biryani, of course. But do you get to eat biryani these days with all the strictness in the diet? Kabhi kabhi. No. Lockdown pe ek hi din mera mummy ne kiya tha ghar pe. Wohi bas. Aur to nahi kiya. Ek hi din kiya tha bas. Phir wo ISL final ho gaya, phir uske baad aake ek din hi hua tha. ठीक है, घर ही में जिम है प्रीतम, नो प्रॉब्लम. यू कैन बर्न इट ऑल. बेटर बेटर डेवलपमेंट एज अ प्लेयर फॉर यू, एफसी पुणे सिटी या दिल्ली डायनामोस? आई थिंक दिल्ली डायनामोस. यू इम्प्रूव मोर एज अ प्लेयर एट दिल्ली. ओके. बेटर एक्सपीरियंस विनिंग ISL इन 2016 या 2019-20? आई थिंक यू आंसर दैट. 2019. हु इज अ बिगर प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन फुटबॉल, सुमित राठी या फिर धीरज? आई थिंक सुमित राठी. Sumit Rathi. Yes.
Fantastic. That's the end of my round. See, काफी आसान क्वेश्चन थे. Apart from where did you get stuck? Stephen Constantine or Igor Stimac? But Igor Stimac interact with you. वो आपसे बात करते हैं. आपको उन्होंने एक plan दिया है अभी lockdown के time पे कि कैसे expects from you when we get back to the national. Fitness trainer जो है वो उसके साथ बात होता है. वो हम लोग को क्या क्या करना है अभी इस टाइम पे वो भेजता है. हम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब जाऊं क्योंकि हम लोग का सामने एक बहुत बड़ा गेम है अगेंस्ट कतार. तो हम लोग को बहुत ही जरूरी है कि हम लोग फिट होके जाऊं क्योंकि हम लोग को अभी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ. उसका अंदर ही जो मिनिमम फिटनेस होगा तो अच्छा होगा. And just in terms of the future of Indian football, Pritham, you're only 26, but there are so many youngsters who have come through recently. लोग बात करते हैं रोलिन बोर्जेस की, लेकिन अनिरुद्ध थापा हैं, ब्रैंडन फर्नांडिस है, अमरजीत है, there's Lalanzuala Changte, there's Sahal. आपके हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर कौन है नेशनल टीम के हिसाब से? आई थिंक जो लोग आ रहा है सब बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है और अच्छा टैलेंट भी है सबका. और कोच ने भी उन लोग को बोल दिया कि क्या क्या रोल है तुम्हारा इधर, क्या क्या करना है. और एक साथ मिलके हम लोग काम करेगा तो इन फ्यूचर हम लोग एक सिस्टम भी अभी चालू हुआ और एक स्टाइल एक तरह का स्टाइल का फुटबॉल हम लोग कोशिश किया. तो हम लोग को थोड़ा टाइम देना है, टीम को टाइम देना है, कोच को टाइम देना है. टाइम देगा तो इन फ्यूचर जाके टीम बहुत अच्छा करेगा. और मेरा ख्याल से साहल भी, साहल चांगते विनीत भी है, किसका नाम लो, एक छोड़ के अनिरुद्ध थापा है, किसका नाम लो, सब टैलेंटेड है. और सब दुआ करता हूँ कि सब अच्छा खेले और हम लोग का टीम जैसा अभी चल रहा है इन फ्यूचर हम लोग बहुत अच्छा करें. सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ फैन व्हिच वाज फ्रॉम जुगल STTLN, हु इज द टफेस्ट इंडियन स्ट्राइकर यू हैव फेस्ड इन द ISL? आई विल चेंज इट, हु इज द टफेस्ट इंडियन फॉरवर्ड यू फेस्ड इन द ISL? आई थिंक सुनील भाई इज द टफेस्ट अभी भी. मतलब जो जितना दिन से मैं खेल रहा हूँ आई थिंक वो है. और उसके बाद में जो बोलना चाहता हूँ कि उदंता है नासिक, क्योंकि वो लोग का जो स्पीड है हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है वो लोग को संभालना. क्योंकि पीछे बॉल गया तो मतलब वो लोग को ठीक से मार्क नहीं करेगा तो वो लोग लेके जाएगा, क्योंकि नासिक और उदंता का इतना स्पीड है. तो मेरा ख्याल से Okay, great answer. Now, finally, Pritham, you started your own academy. Pritham, you're doing so much for people in Kolkata and otherwise as well. Pritham Kotal ko log kaise yaad kare? What should be your legacy as a football player according to you? I think main abhi jaisa chal raha hai aise khelna chahta hu in future. Mera kuch goal hai mera, wo goal main pura karna chahta hu aise footballer. Kyunki football hi mera sab kuch hai. Football ka wajah se aaj mujhe sab pehchanta hai. और फुटबॉल को मैं कुछ देना चाहता हूँ. मतलब फुटबॉल जब मेरा करियर खत्म हो जाएगा तो मैं मेरा एकेडमी जो है और जो नीडी पीपल है वो लोग के साथ रहना चाहता हूँ, वो लोग का साथ कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, जितना भी हो सके ऐसा हेल्प करना चाहता हूँ. और एज ए फुटबॉलर मैं नेशनल टीम में कंटिन्यू करना चाहता हूँ ऐसे ही. और जो मेरा गोल है, मैं आपको बोला कि मेरा कुछ गोल है, वो गोल मैं पूरा करना चाहता हूँ. I wish you all the very best, Pritham. All of us do, in fact, from this team. May you keep smiling like you are in the photograph just behind you. Always. Stay healthy, stay safe, my friend. Thank you. Thank you, Pritham. Well, that was good fun with Pritham Kotal, getting an insight into a lot of things, you know, sharing a dressing room with people like Roy Krishna, Dave Williams, or back in the day when he won his first ISL title. With Bora Fernandez and Ian Hume and Helder Postiga. He's played alongside some big players, including David Trezeguet, where his career in the ISL started. Spoke about the national team and, you know, winning titles with them and the big dreams that he has. And he continues to give back to society as well through his academy that he started with a lot of current players in Kolkata. So we wish him all the very best. Thank you so much for joining us on Let's Football Live and for all your questions that came in for Pritham Kotal. We'll see you on Saturday with another great prospect for Indian football. Who it'll be, we'll announce shortly. But until then, guys, stay safe, stay at home. Thank you for joining us. Goodbye.